हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। और फिर से आप सबके लिए मैं एक सक्सेस स्टोरी लेके आया हूँ। और मेरे साथ है ज्ञान रंजन। बेसिकली ही इज फ्रॉम उड़ीसा एंड ही इज गॉट लाइक हिज फर्स्ट जॉब इन सीएमए कैंपस प्लेसमेंट इन वेदांता एज ए ऑफिसर ट्रेनी। एंड ही गॉट लाइक 11.4 एलपी आई थिंक द सैलरी पैकेज। सो मेनी थिंग आर हेयर। सो आप सबको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा स्टोरी से। और आई थिंक कि आप सब मोटिवेटेड भी होंगे, प्लस आपको बहुत सारे करियर टिप्स भी मिलेंगे। सो हाय ज्ञान, हाउ आर यू? बहुत अच्छा हूँ। आप भैया कैसे? मैं बहुत अच्छा हूँ। कैसी फीलिंग हो रही है ऑफर लेटर लेने के बाद? ऑफर लेटर लेने के बाद मतलब जितना मैं जितना फील नहीं कर पाऊँ, मेरा फैमिली उससे ज्यादा फील कर रहे हैं। और ये ऑब्वियसली मेरे फैमिली के लिए एक प्राउड मोमेंट था जो मेरे यहाँ सिलेक्शन हो गया था। और आपको भी मैंने बताया था कॉल करके, फिर ये भैया सिलेक्शन हो गया। मतलब ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था पर्सनली मेरा फैमिली के लिए, क्योंकि मतलब बहुत गांव से आना, फिर वहाँ पे करना, ये सब चीजें, कोई गाइडेंस नहीं था, खुद से ट्रायल एंड एरर करके शुरू करना और आगे बढ़ना बहुत बढ़िया चीज। ग्रेट। अच्छा, लाइक अभी आपको लोकेशन भी जो मिला है, ज्वाइनिंग लोकेशन, वो आपके 40 किलोमीटर आपके घर से है। सो हाउ इज योर नेक्स्ट जी फीलिंग? लाइक फैमिली का कैसा फीलिंग है कि यार घर के बगल में जॉब है, वेदांता कंपनी है, इतना अच्छा पैकेज है? सो ये सोने पे सुहागा जैसा है। जी भैया, एक्चुअली बहुत लोगों को मिलता नहीं है पास, मतलब फैमिली को टाइम देने के लिए। मेरे पास तो मतलब पहले से अपॉर्चुनिटी आ गया कि मैं वीकेंड में भी फैमिली को टाइम भी दे सकता हूँ। फिर मतलब कोई दिक्कत भी होगा तो इमिडिएटली मैं आ जा मतलब जा भी सकता हूँ, घर जा सकता हूँ। तो मतलब बहुत सपोर्टिव होगा इनिशियल स्टेज में। मेरे को 2 साल मतलब ऐसे में भी मतलब लग जाएंगे, क्योंकि मेरा जो कॉर्पोरेट जो लाइफस्टाइल होता है उसको एडजस्ट करने के लिए थोड़ा टाइम तो लगेगा। तो वहाँ पे थोड़ा घर का भी फिर सपोर्ट मिल जाएगा इजीली, तो लोकल एरिया भी हो जाता है, ज्यादा दिक्कत भी नहीं होगा। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो एंड वेदांता आपको ऑलरेडी सारे अकोमोडेशन भी प्रोवाइड कर रही है, लिविंग से लेके फूडिंग से। सो आप बहुत अच्छी चीजें हैं लाइफ में। अच्छा, आपको मेरा मेंटरशिप आपको कैसा लगा ड्यूरिंग योर इंटायर जर्नी? मेंटरशिप तो भैया मैंने मतलब रिजल्ट से पहले ही आपका ले लिया था। आपसे मैंने भी डायरेक्टली बात किया था जिस दिन एग्जाम खत्म हुआ, उसका एक दिन बाद से पहले तो एग्जाम सब खत्म हुआ था। मैंने संडे से आपसे बात करना शुरू कर दिया कि भैया मेरा ऐसा ऐसा सिचुएशन में एग्जाम दे दिया हूँ, अभी क्या करेंगे। तो आपसे बात किया था, आप भी बोले कि ठीक है, देखो अभी टाइम है, तुम कहीं फार्म में होगा तो 2-2.5 महीना अभी ज्वाइन कर लो, 3 महीना तो हो जाएगा, थोड़ा काम भी अच्छा मिलेगा, जाके ज्वाइन कर लो। फिर आपका बात से फिर मैंने एक सीए फार्म भी ज्वाइन किया था मेरा, 3 महीने का। फिर सीए फाइनल ज्वाइन किया, सीए फार्म ज्वाइन किया, फिर वहाँ पे थोड़ा अच्छा काम भी थोड़ा एक्सपीरियंस मिल गया। तो फिर उसके बाद उसके बीच में तो मैंने खत्म कर दिया था आपका रॉक फिर इंटरव्यू कोर्स, तो खत्म कर दिया था। मतलब एक एवरेज नॉलेज आ गया था कि मतलब किसी चीज से टैकल करना है, इंटरव्यू से मतलब फ्यूचर का प्लानिंग होगा, वो सब मतलब चल गया था। फिर उसके बाद आपका जो कैंपस रॉक फिर कैंपस आ गया, फिर उसमें भी मैंने एनरोल हो गया। और जो सबसे बड़ा मतलब एडवांटेजेस मेरे को लगा था कि जो मैंने पहला फर्स्ट ईयर जो था, जिस दिन मैंने शुरू किया था, तो मैं कितना स्ट्रगल कर रहा था बोलने के लिए इन फ्रंट ऑफ 6-7 पीपल। देन आप भी बोले थे कि थोड़ा थोड़ा तुम्हारा दिक्कत हो रहा है, इस जगह में दिक्कत हो रहा है। फिर मैंने उसके बाद नेक्स्ट डे मैंने पर्सनली आपसे बात की थी। देन उसके बाद क्या क्या मेरे को करना है, क्या नहीं करना है, शायद 3-4 दिन में वो एक फियर जो था वो खत्म हो गया। वो जो सबसे बड़ा मेरे को लगता है, क्योंकि अगर मैं उसी को जाके डायरेक्ट कैंपस में मतलब अप्लाई करता तो वो तो मुझे सिलेक्ट ही नहीं करते, क्योंकि तो बहुत दिक्कत हो जाता है, क्योंकि इतना ज़्यादा एक्सपोजर पहले मिला नहीं था, मतलब बात करने का, अपनी इंग्लिश में बात करने का वो टॉप चैलेंज था। फिर मतलब आपका पर्सनल जो मेंटरशिप था, मतलब कहीं पर भी दिक्कत हो तो डायरेक्ट भैया को कॉल कर लो। सिचुएशन ऐसा भी आ गया था कि मेरा जो भी फ्रेंड लोग थे, मतलब हम लोग के ग्रुप में जो भी थे, तो वो भी मेरे को डायरेक्ट कॉल करके बोले कि अरे तुम भैया को पूछ के बताओ तो एक इसको क्या क्या करेंगे। मतलब प्रॉब्लम उनका था लेकिन कम्युनिकेशन मेरा आपके साथ में डायरेक्ट था, तो बहुत हेल्प था एक्चुअली पर्सनली। ग्रेट। सो ओवरऑल यू आर सेटिस्फाइड, राइट? मतलब जो एक्सपेक्टेशन लेके आए थे, क्या मैं रिजल्ट दे पाया या नहीं? जरूर भैया, वो मतलब जो तो जो था जो मॉक इंटरव्यू वो बहुत गेम चेंजिंग था, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज्यादा फेल लोग, फर्स्ट टाइम किसी इंटरव्यू हम दे रहे हैं, कहाँ गलती हो रहा है कहाँ नहीं हो रहा है। जो दोनों मॉक इंटरव्यू देने के बाद वो मतलब एक फील आ गया था कि मतलब इंटरव्यू नहीं हो रहा है, बस नॉर्मल हम जा रहे हैं ये, मतलब तो मतलब 2-3 बार तो हो चुके हैं, फियर का कोई चीज नहीं था वहाँ। लेट्स बिगेन विथ योर स्टोरी। सो लाइक सीएमए करने का थॉट
आपके माइंड में कैसे है? जब मैंने एक्चुअली मैंने पहले से ही मैथमेटिक्स और साइंस में बहुत वीक था 10th में, तो जब 10th मैंने पास कर लिया तो वहाँ पे मेरा सब सब पेपर में जो रेस्ट 4 पेपर था उसमें सब 75 से ऊपर था, बस दो पेपर में बस 42 था, एक साइंस और एक मैथमेटिक्स। वहाँ पे होता नहीं था, तो फिर मैंने एक जो क्लास टीचर थे इंग्लिश टीचर, तो उनसे बात की कि सर एक्चुअली क्या क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, मैं साइंस में जाऊंगा तो फिर तो बाद में दिक्कत होगा क्योंकि वहाँ पे मैथमेटिक्स तो बहुत धीरे चलता है और साइंस में शुरू तो होता ही नहीं है। तो मेरे को सजेस्ट की देखो एक काम करो, तुम कॉमर्स ले लो, वहाँ पे थोड़ा मैथमेटिक्स कॉम होता है और तुम्हें बिजनेस माइंडेड भी हो तो थोड़ा वहाँ से चले जाओ। तो फिर मैंने कॉमर्स ज्वाइन किया। कॉमर्स ज्वाइन करने के बाद एक बस एक एवरेज स्टूडेंट ही था पहले, बहुत डर लगता था कि बहुत ज्यादा टाइम मैथमेटिक्स आ तो नहीं जाएगा, फिर टाइम वेलो पानी से बहुत डर लगता था पहले अच्छा क्योंकि हाथ से जो डेसिमल को कैलकुलेशन करना मेरे लिए बहुत टफ था वहाँ पे। फिर मैंने थोड़ा बहुत मतलब खुद को मतलब ये किया मतलब कि नहीं उसको करना है छोड़ना नहीं है। फिर धीरे 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 मैंने ट्राई किया और फिर फर्स्ट ईयर बस इसी चला गया, मतलब ट्रायल हुआ तो इम्प्रूव थोड़ा बहुत हो रहा था, लेकिन फिर सेकेंड ईयर आया, सेकेंड ईयर के बाद थोड़ा मतलब मेरा जब मेरा कॉलेज का एग्जाम था तो वहाँ पे थोड़ा अच्छा मार्क आ गया, कैसे मार्क आ गया बस थोड़ा मेरे को जितना आता तो आ गया। तो वहाँ पे मेरे दो तीन फ्रेंड थे तो वो मेरे को बहुत मोटिवेट, देखो तुम्हारे में बहुत अच्छा मार्क आ जाएगा तुम थोड़ा कोशिश कर लो अप्लाई करो। तो फाइनल एग्जाम से बस 4 महीना था तो फिर भैया मतलब जी जान लगा दिया और अच्छा मार्क भी आ गया। फिर उसके बाद मतलब जब मार्क अच्छा आ जाता है ना तो क्या होता है ना, एक टीचर जो कॉन्फिडेंस आ होता है ना जाता है उन लोगों यार। का कॉन्फिडेंस आ जाता है, टीचर लोग भी ना बहुत अटेंशन दे देते हैं या ये कि तो ये है। अच्छा होता है तो अटेंशन दे दिए। तो उनसे थोड़ा बात जब हो रहा था तो वो बोले कि देखिए तुम्हारे लिए दो तीन कोर्स है तुम वहाँ चले जाओ, तुम्हारा CA है, CMA है, बेसिकली CA CMA दोनों के बारे में बताया था क्योंकि उनका एक रिलेटिव थे तो वो बहुत CA और CMA थे। तो जब बताया फिर मेरे को मतलब ये सब बताया कि मतलब बहुत कम पास परसेंटेज होता है और बहुत अच्छा नौकरी मिलता है और बहुत रिस्पेक्ट भी मिलता है, तो गाँव में बहुत कम करते हैं, मतलब ऑलमोस्ट मेरा गाँव में तो मतलब कोई अभी तक तो कंप्लीट ही नहीं कर पाए, बहुत लोग छोड़ दिए थे इस समय। तो मतलब थोड़ा मोटिवेट कर लेके मैंने बोला नहीं मतलब ये कुछ में है शायद कुछ है। तो वहाँ पे एक्चुअली 2016 का बात मैं बोल रहा हूँ, अभी थोड़ा इंटरनेट का एक्सेस इतना ज़्यादा नहीं था, तो फिर मैंने थोड़ा वेट किया कि ठीक है थोड़ा ग्रेजुएशन कर लेते हैं उसके बाद थोड़ा जाएंगे क्योंकि थोड़ा गाइडेंस होने के लिए कोई तो है नहीं थे गाँव में। फिर वहाँ पे ग्रेजुएशन खत्म कर लेके माइंड में हो गया था कि नहीं ग्रेजुएशन खत्म करेंगे उसके बाद शुरू। जो ग्रेजुएशन खत्म किया तो मेरे को कोलकाता के बारे में भी कुछ पता नहीं था, खुद आना यहाँ पे और वहाँ पे इंटरनेट के क्लासेस ढूंढना क्योंकि वहाँ पे पेन ड्राइव का मतलब इतना उस समय नहीं मतलब था। क्लासेस नहीं नहीं था कि मैं 2019 का बात कर रहा हूँ, वहाँ पे सब कुछ लाइव क्लास चल रहा था। कोलकाता के लाइव क्लास जाना इंटरमीडिएट का फिर 4-5 महीना हुआ था, फिर कोविड आ गया, कोविड के बाद फिर मेरा सेकेंड ग्रुप का क्लासेस उन्होंने लिया ऑनलाइन में लिया। सो मतलब पहली बार ऑनलाइन में थोड़ा टफ था, मतलब 1-2 महीना थोड़ा अच्छा, टफ गया मेरे लिए, ये आदत नहीं था मेरा। तो फिर उसके लाइक बाद लाइक जैसे जब आपने ऑनलाइन क्लासेज आपने लेना स्टार्ट किए, एक क्वेश्चन ना बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है कि सर मैं ऑनलाइन क्लासेज जब मैं घर पे बैठ के लैपटॉप पे लेता हूँ तो मैं वो प्रोडक्टिविटी नहीं कर पाता, मैं 2 घंटे की क्लास को 4 घंटे लगाता हूँ कंप्लीट करने में और फिर भी चीजें नहीं सही तरीके से कंप्लीट होती है, तो आपने भी ये चैलेंजेस फेस किया था? जी भाई ये चैलेंज क्योंकि मैंने बहुत लाइव क्लासेस का भी मतलब गया हूँ और ऑनलाइन क्लासेस गया हूँ ना, तो उसका मतलब मेरे को पता चला है कि जब मैंने लाइव क्लासेस कर रहा था उस टाइम क्या होता है ना ज्यादा हार्डवर्क उसके बाद नहीं करना पड़ता क्योंकि वहाँ पे ना वो सब मतलब अच्छे तरीके से दिमाग में चला जाता है क्योंकि लाइव क्लासेस उतना इफेक्टिवली होता नहीं है, फर्स्ट नहीं होता है, बहुत टफ हो जाता था। मेरे को भी 2 घंटे का क्लासेस 2.5 घंटा 3 घंटा लग जाता था, जैसे मैं आधे में कुछ काम आ गया तो बंद कर देता था, मतलब ये सब बहुत सारे इंटरप्ट हो रहा था। फिर मतलब एक आदत हो गया, जैसे मतलब 300-400 घंटा कर लिए तो आदत हो गया कि ठीक है अभी कोई दिक्कत नहीं है, 2 घंटे का क्लासेस को 2 घंटे में चलाएंगे। लेकिन वहाँ पे मैं जितने भी मतलब देख रहे हैं अगर कोई और वो क्लासेस ले रहे तो एक बात बताऊंगा कि कभी 1 से ज़्यादा मत लीजिए क्लासेस, 1 में ही चलाइए क्लासेस। तभी लोग क्या करते हैं ना, मेरे थे मतलब जान के वो 1.25 1.5 में क्लासेस करें तो वहाँ क्या होता है ना स्किप कर जाता है दिमाग, इमीडिएटली के लिए तो समझ में आ जाता है लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए वहाँ स्किप होता है, ये थोड़ा चैलेंजिंग था।
सो जब जब लाइक आप एक प्रोफेशनल कोर्स में आप आए, CMA ज्वाइन किया आपने, और इंटरमीडिएट एक फर्स्ट चैलेंज था आपके लिए, तो लाइक उस चैलेंज को आपने कैसे टेकल किया? आपने इंटरमीडिएट बोथ ग्रुप के लिए भी आप गए और फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने क्रैक भी किया, तो ये चैलेंज कैसे आपने टेकल किया? बिकॉज BCom का पेपर पैटर्न अलग होता है, लेवल ऑफ एग्जाम का लेवल अलग होता है, यहाँ अलग तरीके से चीजें थी. जी, मेरे को एक्चुअली कोविड का टाइम में मेरे को कुछ हेल्प मिला था, क्योंकि वहाँ पे बाहर जाना कुछ अलाउ नहीं था, घर में बैठना था, और ऐसे में मैं घर से भी दूर था, मतलब यहाँ कोई रहता नहीं है, तो मैं यहाँ पे बाहर रहता हूँ PG में, तो कोई नहीं थे, तो मतलब काम ही नहीं था बाहर जाने का, तो क्या ही करेंगे सुबह से शाम तक। बस मैंने बस पढ़ाई किया, उसमें मैंने क्लासेस खत्म कर लिया मेरा ग्रुप 2 का। ग्रुप 1 तो ऐसे में खत्म हो गया था प्री कोविड, और ग्रुप 2 का कोविड ड्यूरिंग द कोविड मैंने ग्रुप 2 भी खत्म कर लिया। फिर उसके बाद जब भैया कुछ काम बचता ही नहीं है तो क्या ही करेंगे, मतलब एक तो चीज को 8-10 बार करेंगे। मतलब मैंने, अभी भी याद है, मेरा जो कॉस्टिंग और FM का पेपर था उसको शायद मैंने 12 टाइम्स मैंने उसको खत्म कर लिया था, 12 टाइम्स। और जो DT, और जी भैया, और जो DT का पेपर था उसको तो भैया मैंने तो मतलब 15 से ज्यादा बार खत्म कर दिया था, जहाँ से मैंने क्लासेस लिया था उनका मैट, 15 बार से तो ज्यादा खत्म उसमें कर दिया। उसमें स्ट्रेटेजी क्या रहती थी? लाइक कुछ बच्चे क्या करते हैं, लाइक मेरा जैसे मैं करता था कि हर एक चैप्टर के सारे क्वेश्चन नहीं, 5 6 7 क्वेश्चन एक बार में सॉल्व किया, फिर नेक्स्ट चैप्टर. तो आपका क्या स्ट्रेटेजी रहता था? मेरा स्ट्रैटेजी क्या रहता था ना, मैंने 2 बार जितना भी क्वेश्चन था बुक्स में उसको मैंने 2 बार करूंगा पूरा फुल्ली, जैसे मतलब एग्जाम दे रहा हूँ, बस वैसे ही मतलब लिख के करना है। उसके बाद में क्या करता हूँ, उस क्वेश्चन को मैं डिलीट कर देता हूँ, क्वेश्चन इग्नोर हो जाएगा, क्योंकि कुछ बड़े क्वेश्चन होते हैं और जो ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं उसको करने के बाद ना छोटा छोटा क्वेश्चन इजीली हो जाता है उसके बीच में, तो वहाँ पे थोड़ा दिक्कत नहीं होता था। मैंने उसके बाद क्या किया ना, एलिमिनेशन का शुरू कर लिया कि नहीं, ये सब क्वेश्चन पहले पहले एलिमिनेट करेंगे, उसको दूसरी बार टेस्ट पेपर करने की कोई जरूरत नहीं है, बस एक बार में हो जाएगा, दिक्कत नहीं। लेकिन जो क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा था, थोड़ा सा भी जो ट्रिकी लगता है ना, तो मैं क्या करता ना, उसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लेता हूँ, और उसको मैं बार बार मैं रूटीन मतलब लिख के मैं पढ़ता हूँ। ऐसा नहीं कि बस देख लिया और कैल्सियम में बस सॉल्व कर लिया, ऐसा नहीं करता था मैंने, बस मेरे को लगता है कि यही क्वेश्चन ही आ गया है एग्जाम में, तो उसको मैं कैसे वहाँ पे टैकल करूंगा, उसी हिसाब से मैंने वहाँ पे टैकल कर लिया था, तो वो बहुत हेल्पफुल था। ग्रेट. सो आपने फिर अच्छा बोथ ग्रुप जब आप पेपर अटेम्प्ट करते हो तो आपके पास ना एवरी डे मैक्सिमम 8 से 10 घंटे होते हैं कल के पेपर को रिवीजन करने के लिए, ठीक है? तो वो टाइम में आप किस तरीके से आप अपने रिवीजन स्ट्रेटेजी आपने बनाई थी? मेरा पर्सनली अगर मैं कुछ बोलूंगा तो शायद किसी को बुरा लग सकता है, कि एक्चुअली मेरा ये सिचुएशन था कि मैं एग्जाम से 2 महीना बहुत टेंशन में होता हूँ, और ड्यूरिंग द एग्जाम मैं सबसे फ्री होता हूँ, क्योंकि मैंने जितना हार्डवर्क करना था ना, एग्जाम से 10 दिन से पहले ही मैंने कर लिया था। मेरे को एग्जाम से 10 दिन पहले और ड्यूरिंग द एग्जाम मैं टोटल फ्री रहता हूँ, कि मेरे को पता है कि इतना चीज मैंने खत्म कर लिया हूँ, कॉन्फिडेंस है कर पाऊंगा। और मतलब जैसे कहते हैं ना, मतलब 5-7 दिन से पहले कुछ नया टॉपिक मतलब शुरू नहीं करते हैं, मैं एक बार चीजें सोचता हूँ ऐसे कि ऐसे ही पढ़ लो ना एक बार में, तो दूसरा बार उसको देखने का नौबत ही ना आए, मेरा स्ट्रेटजी यही था। और ड्यूरिंग द एग्जाम मेरे को पर्सनल तो मेरे को ज्यादा मतलब बोथ रूप का मतलब दिक्कत नहीं हुआ, बस इजीली मेरे को चल गया, क्योंकि मेरे को पता था कि जो चीज मैं 15 बार पढ़ चुका हूँ, 10 बार पढ़ चुका हूँ, तो उसको एग्जाम से पहले क्या ही कर लूंगा, तो सब तो मेरे को पता ही था। मतलब कॉस्टिंग, मेरे कॉस्टिंग और FM फाइनेंस का पेपर मतलब सबसे अच्छा लगता है, कॉस्टिंग और SFM का जो FM का जो पेपर था एग्जाम का पहला दिन, तो मेरे 2 घंटे में खत्म हो गया, कॉस्टिंग का 1 घंटा, FM का 1 घंटा में खत्म हो गया, कुछ देखने का था ही नहीं, क्योंकि भैया इतना बार हमने पेपर को। DT का पेपर मैं याद था मुझे, मतलब ज्यादा कुछ प्रोविजन देखने का याद नहीं था, बस थोड़ा बहुत जितना क्वेश्चन था बस उसको बस प्रैक्टिस कर लिया, 30 क्वेश्चन शायद मैंने लिखा था, उसी को बस प्रैक्टिस कर दिया, हो गया। तो मैं इतना चाप नहीं लेता हूँ एग्जाम, ड्यूरिंग द एग्जाम मेरे को मतलब इतना प्रेशर नहीं होता है, मैं बस नॉर्मल जैसे होता है स्टूडेंट के लिए, वो मेरे लिए ऐसे ही था। सो जब आपने बोथ ग्रुप दिया और जब आपका रिजल्ट आया और लाइक कॉन्ग्रेचुलेशन जब वहाँ लिखा था, सो लाइक उस टाइम की फीलिंग कैसी थी? बिकॉज फर्स्ट टाइम था किसी प्रोफेशनल एग्जाम में और बोथ ग्रुप वन ऑफ द टफेस्ट. जी भैया, वहाँ पे एक्चुअली ऐसा सिचुएशन हुआ था कि मेरा नेट इंटरनेट ही चल नहीं रहा था, पता नहीं क्या हुआ था, मतलब पहले से चल रहा था, बस 2-2.5 बजे से बंद हो गया इंटरनेट चलना। फिर मेरा एक दोस्त था, वो आसाम में था, मैं वेस्ट बंगाल में, और वो आसाम या सिक्किम में था, आसाम नहीं सिक्किम में था,
तो वो ओके मेरे को कॉल किया कि ज्ञान तो रहा नाम रजिस्ट्रेशन नंबर दे दी, तो रिजल्ट तो निकल गया, हम देख लेते हैं। मेरा उस टाइम निकल ही नहीं रहा था, मैंने उसको रजिस्ट्रेशन नंबर दिया, तो वो मतलब ऐसा स्क्रीनशॉट भेजा कि वो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, बस एक चीज दिखाई दे रहा था कि पास कॉन्ग्रेचुलेशन, बस इतना दिखाई दे रहा था। मतलब रिजल्ट का कितना मार्क था क्या था मैं कुछ नहीं देखा, बस कॉन्ग्रेचुलेशन लिखा है पास, वही मेरे लिए बहुत कुछ था। फिर वो बोला कि अरे तेरा हो गया दोनों ग्रुप, कॉन्ग्रेचुलेशन। मम्मी को कॉल किया जहाँ पे मैं रहता हूँ, फ्रेंड्स लोग, वो मतलब बहुत बड़ा मतलब एक अचीवमेंट था मेरा। मैं जितना खुश नहीं था, मेरे उस टाइम मेरा मॉम उससे ज्यादा खुश थी, क्योंकि उनको ना पहले से बहुत लोग डरा दिए थे कि जो कोर्स जो चुना है ना वहाँ पे निकलता नहीं है बहुत, और वहाँ पे अगर एक बार जाने के बाद फिर लौटने का भी मतलब टाइम नहीं मिलता है, कैरियर बर्बाद हो जाता है, होता नहीं, तो बहुत कुछ बोल देते। तो वो थोड़ा पैनिक हो गया था, इसलिए मैंने उसको पहले कॉल किया, जो जो बोल रहे थे बस रख करके मैंने दिखा दिया, और फाइनल भी ऐसे ही निकला है, कोई बात नहीं है, मतलब कोई चिंता की बात नहीं है। तो उस दिन मैंने बोल दिया था कि देखो मैं निकल के ही रहूंगा, आया था पता नहीं था, मतलब जब शुरू किया था मैंने माइंड में था कि ठीक है हम अगर फाइनल भी नहीं निकल पाएंगे इट्स ओके, लेकिन इंटरमीडिएट तो निकल कर आए जब मैंने शुरू किया था, क्योंकि एक हाइप होता है ना पहले से डरा देते हैं। फिर जब आया जब दिन पास हो गए, तो उस दिन मम्मी को बोला कि देखो फाइनल तो निकल के ही जाएंगे, तो जाएंगे ही नहीं जाएंगे। ग्रेट. सो लाइक अच्छा इंटरमीडिएट बोथ रूप दिया, फिर आपने इंटर्नशिप के लिए आपने लाइक फॉर्म ज्वाइन किया या कंपनी? एक्चुअली वहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो गया था जब मेरा रिजल्ट, जब क्योंकि मैंने बोथ ग्रुप दिया था ना, तो थोड़ा एक्चुअली अंदर से भी डर रहता है कि ठीक है थोड़ा इतना मतलब जल्दी नहीं आते, कोई फार्म ज्वाइन नहीं करेंगे, थोड़ा रिजल्ट तक वेट कर जाएंगे। उसके बीच में मैंने 3 क्लासेस ले लिया था, अच्छा एक डायरेक्ट टैक्स और इंटरनेशनल डायरेक्ट टैक्स का क्लास था, हॉस्टिंग का क्लास था, और एसिस्टेंट का क्लास था, तो तीनों क्लास मैंने ले लिया था, और रिजल्ट निकलने तक मैंने 70% क्लासेस भी खत्म कर लिया था, ओ माय तीन गॉड. पेपर में 70% खत्म करके बस था कि ये तीनों मेन मेन टॉपिक है उसको ही पहले खत्म कर देते हैं, तो वहाँ पे मैंने था। तो फिर उसके बाद क्या हुआ ना, जिस दिन रिजल्ट निकला तो वहाँ पर तो मतलब 3 4 दिन ऐसे तो मतलब मजा मस्ती में चला गया, हाँ थोड़ा रिजल्ट निकल गया। फिर दिक्कत क्या हुआ कि जो सेकेंड वेव आया अप्रैल के महीने में 2021, वहाँ पे मेरे को थोड़ा फीवर हुआ, फिर उसके बाद जब मैंने टेस्ट किया मेरे को पता चला कि मेरे को कोविड हुआ, मेरे को उड़ीसा फिर जाना पड़ा, फिर वहाँ पे मैंने 2 महीना फिर 2 ढाई महीना पूरा लॉक हो गया, क्योंकि वहाँ पे लॉकडाउन हो गया था, कोई गाड़ी चल नहीं रहा था तो आने के लिए, तो यहाँ कलकत्ता में मेरा क्लास था लैपटॉप में, तो वो टाइम बहुत बड़ा मतलब एक टॉप चैलेंज था। फिर मैंने जून में कोलकाता फिर बैक किया, फिर जुलाई में मैंने फार्म ज्वाइन किया, और 1 साल खत्म करने के बाद ही मैंने छोड़ा था, 1 साल से ज़्यादा। तो आपने लाइक फर्स्ट ग्रुप फाइनल का यानी ग्रुप थर्ड आपने ट्रेनिंग के साथ दिया था, राइट? नहीं, ट्रेनिंग मेरा जब खत्म हुआ, ट्रेनिंग के टाइम में एक्चुअली इतना हेक्टिक हुआ था, तो उसमें मेरे को थोड़ा दिक्कत हो रहा था इसलिए नहीं दे पाया, तो एक्चुअली मेरा दिमाग में था कि मैं बोथ लूंगा जब भी दूंगा, क्योंकि इंटरमीडिएट का जो मतलब एक फील था ना वो दे, चाहे कुछ भी हो जाए, तो वो मेरा दिमाग में था। लेकिन फिर उसके बाद थोड़ा दिक्कत हो गया कि मैंने जहाँ CFR का जहाँ से क्लासेस लिया था वहाँ पे थोड़ा ना मेरे को CFR में थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड हो पा रहा था, वहाँ पे थोड़ा मेरे को दिक्कत हो गई कि क्या हो रहा है, कॉन्फिडेंस बिल्ड अभी नहीं हो पा रहा है, एग्जाम अभी 2 ढाई महीना है, तो ऐसे में बोथ ग्रुप दे रहे हैं, थोड़ा ज़्यादा प्रेशर भी हो रहा था ऑटोमेटिकली, तो वहाँ उस टाइम पे दो दो पेपर का क्लासेस भी नहीं लेता, कॉस्ट ऑडिट और एसपीएमई का सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, और GST भी मेरा सेल्फ स्टडी था, तो वहाँ पे थोड़ा 3 पेपर था सेल्फ स्टडी का, तो वहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर फील हुआ। तो मैंने क्या किया ना, एक ग्रुप को छोड़े कि नहीं ठीक है एक ग्रुप को छोड़ देते हैं, क्योंकि अटेम्प्ट नहीं लगाना है मेरे को, मतलब फ्रॉम वेरी बिगिनिंग आई वॉज वेरी क्लियर दैट मेरे को अटेम्प्ट नहीं लगाना, कुछ भी हो जाए 6 महीना लेट हो जाए, क्योंकि तो मेरे को पता था कि वेदांता वाले नहीं लेते हैं, और वेदांता और LLT तो वो लोग अटेम्प्ट बहुत देते हैं, तो इसीलिए मैंने अटेम्प्ट को बहुत मैप किया था। तो फिर इसमें इसीलिए मैंने फिर एक ग्रुप छोड़ एक दिया ग्रुप और दिया. एक एक ग्रुप करके दिया, जी हाँ एक ग्रुप दिया, और उसमें भी मतलब सबने अच्छा मार्क्स। ग्रेट ग्रेट. सो ओवरऑल आपका CMA में कितना परसेंटेज मार्क्स बना है? ओवरऑल मेरा इंटरमीडिएट में मेरा 76% था, और फाइनल में मेरा
218 था थर्ड ग्रुप 3 में, और ग्रुप 4 में 254। 54, यानी यहाँ भी 57-58% आपका था। नहीं, 254 जो हुआ वो हुआ 2 point समथिंग, ये और दोनों जो ग्रुप टू को वन मिला के एट एवरेज कर रहे हैं। हाँ 57-58 58%। हाँ, तो काफी मतलब ओवरऑल आपका जर्नी अच्छा था, एंड आपने फिर कैंपस भी आपने क्रैक किया। तो लाइक एक चीज, कुछ स्टूडेंट्स जैसे होते हैं कि लाइक सर मैं वीक हूँ तो क्या मैं CMA कोर्स में आ सकता हूँ क्या, मतलब लाइक तो आपका क्या सजेशन रहेगा उन स्टूडेंट्स को कि जो स्टूडेंट्स वीक हैं उन्हें CMA कोर्स ज्वाइन करना चाहिए या नहीं? हाँ, मैं मतलब जब मैंने CMA स्टार्ट किया हूँ, जब भी मैं किसी को मतलब कुछ एडवाइस देता हूँ, कुछ बोलता हूँ कि देखो CMA के बारे में, एक बात बोलता हूँ उन लोगों को, देखो तुम ग्रेजुएशन में और 12th में तुम क्या किए हो उसका कुछ मायने नहीं रहेगा यहाँ पे, तुम कैसे आगे जाते हो ये मायने रखता है। मैंने खुद पर्सनली बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसे देखे हैं जो 10th 12th ग्रेजुएशन में बहुत ब्राइट थे लेकिन वो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, आज तक ग्रुप भी नहीं निकल पाए। और मैंने ऐसे भी स्टूडेंट देखे हैं जो उनका कैरियर 3rd डिवीजन था, वो कभी 45% 50% कभी टच ही नहीं किए, और वो लोगों ने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकाल दिए, सब ग्रुप फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल के एकदम अच्छे पोजीशन में है। तो ऐसा नहीं कि आप नहीं कर पाएंगे, बस थोड़ा मेहनत करना होगा, डेफिनेटली गाइडेंस चाहिए। अगर आपको दिक्कत हो रहा है कहीं पे तो एक जो मतलब जो सक्सेस हुआ है उसी का गाइडेंस ले, क्योंकि मैंने पर्सनली एक बात बोल रहा हूँ, जब मैंने स्टार्ट किया था वहाँ बहुत सारे स्टूडेंट थे जिनकी एज 27-28 तक था, कोई एक ऐसे नहीं थे जिनने क्लियर किया ग्रुप। मतलब वो लोग मेरे को क्या बताए, मतलब जब मैंने पहली बार आया था तो वो लोग कहते देखिए देखो प्रोफेशनल एग्जाम है, यहाँ पे अटेम्प्ट लगता है। मतलब उनका पहला एडवाइस था कि अटेम्प्ट लगता है यहाँ पे। फिर मैंने जब मैंने हार्डवर्क किया, मैंने जब फर्स्ट अटेम्प्ट में जब निकल गया तो मैं एडवाइस देता हूँ देखिए निकल जाएगा, ऐसा कुछ कोई नहीं, मतलब रॉकेट साइंस नहीं कि नहीं निकलेगा और बहुत टफ है, ऐसा नहीं है, बस हार्डवर्क करना होगा। ऐसा नहीं कि तुम 2 दिन हार्डवर्क कर लिए बस 8 दिन सो गए तो नहीं चलेगा, कंसिस्टेंटली चलना पड़ेगा। क्योंकि मैं पर्सनली स्टूडेंट को बोलता हूँ कि मैंने पर्सनली क्या किया था भैया, जब इंटरमीडिएट का मेरा एग्जाम था बोर्ड ग्रुप दे रहा था, 4 महीना पहले सुबह 7 से शुरू करता था 1 बजे तक, फिर 3 बजे से शुरू करता था रात के 11 बजे तक, वो एकदम टाइम टू टाइम था। मतलब एक रोज का रूटीन जैसा था ना, एक मोनोटोनस बस लाइफ हो गया था कि मेरे को इसी टाइम में ही पढ़ना है चाहे कुछ भी हो जाए, तो हो जाएगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा हार्डवर्क करना। अच्छा, आपको लाइक मेरे बारे में कैसे पता चला था? आप मतलब मेरे तक कैसे आप पहुंचे? फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को तो मेरा एक जो दोस्त था वो ऑलरेडी मेरा टर्म पहले से ही क्वालिफाइड हो गया था, तो उसने मेरे को बताया था कि देखो रोहन शर्मा करते हैं, वो बहुत स्ट्रगल किए थे लाइफ में, फिर कैसे कैसे उनका जो लाइफ स्टोरी था कैसे कैसे आगे बढ़ा। तो मैंने उससे उससे मैंने पहली बार आपके बारे में सुना था, फिर जब मेरा मतलब दिमाग में था हाँ हम देखेंगे फ्यूचर में देखेंगे, और आपका रॉक योर इंटरव्यू कोर्सेज भी था तो वो भी दिमाग में था कि एग्जाम के बाद हम डिसाइड करेंगे, तो एग्जाम से पहले तो कभी नहीं, बस एग्जाम खत्म हो जाए ग्रुप वर्क फिर उसके बाद। मैंने आप एक्चुअली वो उस तरह मतलब आपका जो कैंपस था उसको मैंने देखा नहीं था उस टाइम, फिर मैंने आपका एक दो वीडियो देखा, इमिडिएटली आपको जस्ट एग्जाम खत्म तो हुआ उसका नेक्स्ट डे तो मैंने आपको कॉल किया था, और आप तो डायरेक्ट कॉल किया, मेरे को कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं था कि मतलब आज डायरेक्ट बात करेंगे और इतना हम्बल होकर और इतना टाइम देंगे, मतलब छोटा से छोटा क्वेश्चन आंसर देंगे। तो वो जो 15 मिनट का जो था मतलब कन्वर्सेशन था, वहाँ से फिर मैंने आपका क्लासेस ज्वाइन किया, क्लासेस भी काफ़ी अच्छा था, बहुत कुछ जानने को मिला, कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ मेरे में, फिर उसके बाद आपका रोक्योर कैंपस भी आ गया। तो एक्चुअली मतलब जो था मतलब यूट्यूब में जो नोटिफिकेशन आ रहा था यूट्यूब में और इंस्टाग्राम में भी आपको फॉलो कर रहा था, तो वहाँ पे मतलब नोटिफिकेशन आया, तो फिर मैंने आपसे बात किया था भैया मैं ज्वाइन कर लेता हूँ थोड़ा EGO कुछ अच्छा लगता है देखिए, मतलब यहाँ तो मेंटर तो मतलब पहले से पता चल गया था ना कि कुछ होगा ना तो इमिडिएटली कॉल कर पाएंगे, बहुत सारे और भी मतलब इंस्टीट्यूट से कॉल आया था, लेकिन वहाँ पे एक मतलब मेरे को पता चला था कि हम डायरेक्टली हम कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे जब चाहें, यही एक दिक्कत वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे मतलब ऑनलाइन इंटरव्यू वो ज़्यादा लेते नहीं है, मेरे को लगता नहीं था कि उनका ऑनलाइन इंटरव्यू इतना इफेक्टिव हो रहा था, और वहाँ पे मतलब वो मतलब बहुत बड़े नाम थे तो वहाँ पे मतलब डायरेक्ट रीच करना पॉसिबल नहीं था।
मेरे को चाहिए था एक डायरेक्ट रीच करना, जहां पे मैं डायरेक्टली मतलब कुछ बोल सकता हूँ। तुम म्यूट हो गए हो। हेलो, यस भैया, हाँ तुम कुछ बोल लेते हैं डायरेक्टली कॉम्युनिकेट पे कुछ। हाँ फिर डायरेक्टली कम्युनिकेट किया, फिर उसके बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस से बिल्ड हुआ, तो फिर उसके बाद मतलब फ्रेंड्स भी बहुत बन गए थे। जो प्रॉब्लम हो रहा था ना, तो हम लोग मतलब बीच में थोड़ा बात करते हैं, उसको भी सॉर्ट आउट कर लेते हैं, वो जो प्रॉब्लम भी था बीच में कुछ, तो बहुत हेल्पफुल था। वन मतलब लास्ट एक जो क्वेश्चन, प्लेटफॉर्म है, हाँ वन लास्ट क्वेश्चन कि लाइक जो प्राइस पॉइंट मैंने सेट किया था और उस प्राइस पे जो मैंने क्वालिटी ऑफ सर्विस दिया, क्या वो सफिशियंट था या नहीं? एक्चुअली आज का दिन में वो प्राइस मतलब प्राइस ही नहीं बोल पाए, क्योंकि आजकल कहीं रेस्टोरेंट में जाएंगे तो एक जन का खाना भी मतलब उससे हो जाता है, खत्म हो जाता है। वो मतलब बड़ा फैक्टर नहीं था, मतलब जितना प्राइस था वो बहुत मिनिमल है। मतलब जैसे आप बात कर रहे थे, और जो जितना टाइम आप डिपोट किए, जैसे सब छोटे से बड़े थे सब कुछ मतलब किए, तो वो प्राइस पॉइंट बहुत कम था, मतलब वो एकदम नेग्लिजिबल था। प्राइस का कभी सोचा ही नहीं था कि मतलब अमाउंट है, और ये तो लगता था तो ऐसे अच्छा, ये सोचा था कि सर इतना कम प्राइस ले रहे हैं तो सच्ची में कुछ अच्छा होगा या नहीं होगा, ऐसा कुछ आया था ही माइंड में? जब नहीं, प्राइस के बारे में मेरे को माइंड में नहीं आता, क्योंकि देखिए मेरे को पता था कि मैं अगर डायरेक्टली बात करूंगा ना, मतलब जहाँ से मैं क्लास में आऊँ, जिस हिसाब से भैया से अगर मैं डायरेक्टली बात कर पाऊँ ना, तो मेरे को पता था कि मैं आपसे मेरे जो मतलब चाहिए, जो चीज मेरे को चाहिए ना, मैं आपसे निकल लूंगा। ये मेरे को पता था कि मेरे को जो जो चीज चाहिए मैं आपको डायरेक्ट बात करके पता लूंगा, तो आप क्या दे रहे हैं मैं उसके ऊपर फोकस नहीं कर रहा था। मैंने बस एक बार फोकस किया था कि डायरेक्टली जैसे बात कर रहे हैं ना, तो मैं जो भी पूछूंगा ना वो बोल देंगे, तो यही मेरे को बस चाहिए था। चल, सो एनी सजेशंस फॉर अपकमिंग सीएमएच? डेफिनेटली एक सजेशन दूंगा कि जैसे मैंने अभी बोला है कि मतलब आप क्या करके आए हैं पीछे, थोड़ा भूल जाइए क्या होगा आगे, उसके बारे में थोड़ा सोचिए ज्यादा। आप अच्छे थे ऐसा नहीं कि आप एक बार में निकाल देंगे, आप बुरे थे ऐसा नहीं कि आप एक बार में नहीं निकल पाएंगे, तो हार्डवर्क थोड़ा कीजिए। और जो हार्डवर्क ऐसे कीजिए कि मतलब एक लगातार कीजिए, मतलब ऐसा नहीं कि 2 दिन कर लिए तो 10 दिन रेस्ट ले लिए, ऐसा नहीं। 2 ढाई महीना एग्जाम से पहले ना रूटीन बना लीजिए, फोन अगर डिस्टर्बेंस कर रहा है तो उसको साइड में, जो कोई भी डिस्टर्बेंस साइड में कीजिए। ट्राई कीजिए कि हम इसको एक बार में पढ़ेंगे, दूसरी बार आपको ना मतलब दिखना ही नहीं पड़ेगा, सही पढ़ो कि बस एक बार में निकल जाए। और मतलब जब एक बार में निकलता है ना, तो फील ना बहुत अच्छा आता है। और जहाँ पे तुम पीपीओ पे करने जाओगे, या जब बाहर कहीं भी जाओगे ना, जब तुम बोल दो कि एक बार में निकल आओ, तो वहाँ पे ना थोड़ा रिस्क आ जाता है थोड़ा। इतना रिस्क के लिए इतना हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा, ये तो मुफ्त में है, तो कुछ चीज मिलता ही नहीं है ना। थोड़ा हार्डवर्क करो और बहुत सारे रिस्पेक्ट मिल जाएगा तुम्हारा सोसाइटी में, तुम्हारा फ्रेंड सर्कल में, तो कहीं पर भी जाओ, जहां पर भी बोलो, मतलब वो लोग तो पूछते हैं। मतलब मेरे को ना मतलब मैं पता नहीं था, मैंने 120 स्टूडेंट में कोलकाता में मैंने कैसे ऐसे फेमस हो गया। मतलब जो कोई बोला था भाई तुम्हारा फर्स्ट अटेम्प्ट है, सच में फर्स्ट अटेम्प्ट ऐसे ही बोल रहे थे, तो थोड़ा एक फीलिंग आता है कि हाँ थोड़ा हार्डवर्क किए थे तो थोड़ा मिल रहा है। चलो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। होप्स हो कि आप लाइफ में और भी थैंक अचीवमेंट लो और फिर से हम कनेक्ट करें, फिर से स्टोरीज रिकॉर्ड करें। ओके, सो ऑल द यू, बेस्ट, बाय बाय, थैंक टेक केयर, एंड ऑल द बेस्ट थैंक टू यू, ऑल द स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू। बाय बाय।